ये है दिल्ली दर्पण। भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम में भ्रष्टाचार के नए नए तरीके खोजने शुरू कर दिए। अब दिल्ली नगर निगम अपने अफसरों से उगाही करवा रहा है कि इनके एनजीओ को सीएसआर का पैसा दिया जाए। आम आदमी पार्टी का काम सदैव बात का बतंगड़ बनाना है। कोई भी चोर चोरी करने के बाद ये तो ना कहेगा कि मैं चोर, जांच करवा लीजिए। बीजेपी के किसी व्यक्ति का उस एनजीओ से किसी प्रकार का कोई लिंक नहीं है। नगर निगम के स्कूलों में फंड रेजिंग को लेकर के बवाल छिड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया है कि बीजेपी एक एनजीओ की आड़ में अवैध उगाही कर रही है, एक नया भ्रष्टाचार कर रही है। हालांकि मामला संज्ञान में आने के बाद डीसी केशवपुरम जोन ने इसे वापस लेने का ऐलान किया है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नेता विपक्ष विकास गोयल, जो उसी वार्ड से आते हैं जिस वार्ड का, जिस जोन का ये मामला है, और इनके हाथ में वो तमाम दस्तावेज हैं जिन पे हमने अलग अलग योगेश वर्मा जो चेयरमैन उनसे भी बात की और डीसी से भी बात की। विकास जी, आप कह रहे हो कि पहली बार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कहा गया कि वो एनजीओ ही नकली है, फर्जी है। हमने वहाँ जाकर देखा है, वो एनजीओ एग्जिस्ट कर रही है और ये कहा गया कि उसको गलत तरीके से दिया। ऑलरेडी वो कम से कम 12 स्कूलों में उन्होंने इस तरह की स्मार्ट क्लासेस लगाई है बिना किसी एतराज़ के, तो अब इसमें अर्जी एनजीओ फर्जी कहाँ से आ गई? अगर क्लास लगते हैं तो बुराई क्या है इसमें? देखिए, हमने ये बिल्कुल नहीं कहा कि एनजीओ फर्जी है। हमने कहा कि उनके एड्रेस पे हम गए तो वहाँ ना कोई बोर्ड था ना वहाँ कोई ऑफिस था, पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हो कि उन्होंने 12 स्कूलों में लगाई तो बहुत अच्छी बात है, लगाएं, यहाँ भी लगाएं। बात ये उठता है कि किसी एनजीओ के लिए सरकारी अधिकारी क्यों फंड इकट्ठा करें? सरकारी अधिकारी फैक्ट्रियों में जाके, घरों में जाके, दुकानों में जाके किसी एनजीओ का नाम चेक दो, ये क्यों करें? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को अलग अलग तरीकों से लूटा। कभी लेंटरों से पैसे लेके लूटा, पार्किंग वालों से सेटिंग करके लूटा, विज्ञापन वालों से सेटिंग करके लूटा, हाउस टैक्स में घोटाले किए, पता नहीं कितने घोटाले इन्होंने किए। फिर आपने देखा कैसे इन्होंने स्कूल की जगह एनजीओज को फ्री में बांट दी, इन्होंने हेल्थ की जगह एनजीओज को फ्री में बांट दी, और आप बड़ी गहराई में जाओगे, जांच करोगे तो सारे एनजीओज इन्हीं के, बीजेपी वालों के मिलेंगे, किसी रिश्तेदार के मिलेंगे। ये एनजीओ तो बीजेपी का नहीं है, जैसा कि जो एनजीओ वाले हैं उन्होंने बताया। हालांकि हमने बात करने की कोशिश की कौन कौन है, इस बात की जानकारी तो उन्होंने नहीं दी, लेकिन ये कहा कि बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। योगेश वर्मा ने कहा बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। 12 स्कूलों में वो क्लास लगा चुके हैं, तो अगर ये तरीके से लग भी जाते थे तो उसमें बुराई क्या थी? अगर सीएसआर एक्टिविटी करती है बड़ी बड़ी कंपनियाँ, उसकी मदद लेके कोई एनजीओ कुछ काम करना चाहे एमसीडी में, तो उसमें गलत क्या है? देखिए, कोई भी चोर चोरी करने के बाद ये थोड़ा ना कहेगा कि मैं चोर हूँ, आज वो थोड़ा ना कहेंगे बीजेपी से जुड़े हुए। अब जांच करवा लीजिए, मैं गारंटी से कहता हूँ कोई ना कहीं बीजेपी से तार जुड़े हुए मिलेंगे। देखिए, बात यहाँ पर ये नहीं है कि आप क्या काम करवा रहे हैं। एनजीओज को पहले भी काम होते रहे, ऐसा नहीं है पहली बार काम हो रहा है। कि एनजीओज के काम होने का मतलब क्या होता है कि एमसीडी अगर किसी एनजीओ को कोई जिम्मेदारी दे रही है, कोई एनजीओज काम करना चाहता है तो एनजीओज अपना पैसा खर्च करेगा, यही तो बात है ना, कि एनजीओ काम करे, अपना पैसा लगाए। आप एक ऐसे एनजीओ को क्यों लेके आए जिसके पास फंड ही नहीं है? आप उस एनजीओ से एक एमओयू साइन कर रहे हैं। तो वही तो बताया उन्होंने कि वो 12 स्कूलों में लगा चुके थे बिना किसी मदद के, फंड के पहले किया है उन्होंने, और ये सब किया है उन्होंने इकट्ठा करके। अगर उस इकट्ठा करने के काम में अगर एमसीडी भी मदद करती है तो इसमें कहाँ गलत क्या है? ये उगाही का नया तरीका है स्वामी जी। आज दुनिया में पहली बार ऐसा होगा कि गवर्नमेंट अधिकारी और दुकानदारों को, फैक्ट्रियों को जाकर कह रहे हैं इस एनजीओ को आज पचंदा दो। क्यों दो? आज और बड़े 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 एनजीओज हैं, आज सीएसआर जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो खुद एमसीडी में काम कर रही हैं, टीपीडीएल है, बीएसईएस है, डीएमएसडब्ल्यू है, मेट्रो वेस्ट हैंडलिंग कंपनी, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका करोड़ों में टर्नओवर है, आप उनसे सीएसआर ले लो, डायरेक्ट सीएसआर ले लो एमसीडी के अकाउंट में, आप लगाओ स्मार्ट बोर्ड। आप स्पेसिफिक एक एनजीओ के साथ करार करते हो और करार में बिल्कुल क्लियर आप लिखा हुआ है कि इस काम के लिए जो पैसा इकट्ठा होगा वो दोनों पार्टियाँ मिलकर इकट्ठा करेंगी। दोनों पार्टियां कौन? कि एमसीडी का स्टाफ
बीजेपी के नेता एमसीडी के स्टाफ से पैसा इकट्ठा करवाएंगे और एनजीओ, और वो पैसा कहाँ जाएगा? एनजीओ अकाउंट में जाएगा। ये आपको नहीं लगता कि मतलब दुनिया में पहली बार, आप भी को इतने साल हो गए पत्रकारिता करते, आपने बहुत से घोटालों पे, बहुत से चीज़ों पे पत्रकारिता कवर की होंगी, आपको पहली बार नहीं लगता कि एक गवर्नमेंट एजेंसी एक एनजीओ के लिए पैसे इकट्ठे करेगी धमका के कि आपकी दुकान सील कर देंगे तो आप इसको चेक दो, आपकी फैक्ट्री सील कर देंगे आप इसको चेक दो? ऐसा इस एनजीओ से क्या स्वार्थ है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, एमसीडी का, कि उन्होंने एक ऐसे एनजीओ को चुना जिसका फंड ही नहीं है, आप उसको फंड इकट्ठा करा के देंगे फिर वो लगाएगा? आप किसी बड़ी कंपनी से सीएसआर ले लेते, वो डायरेक्ट सीएसआर लगाती, आपके स्मार्ट बोर्ड लग जाते। एक इसी एनजीओ में क्या खास बात थी? मैं आपको बता रहा हूं, ये पैसा उगाही करने का एक अलग तरीका निकाल के लाए। जो छोटे मोटे फैक्ट्रियां हैं, दुकानें हैं, वहां से उगाही करके ये फंड रेज किया जाता बजाय इसके कि बड़ी बड़ी कंपनियों के कॉर्पोरेट सेक्टर से इकट्ठा करने के। आप कह रहे हो अधिकारी धमका करके इकट्ठा कर? बिल्कुल, धमका के आए हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता। मेरे पास परसों मेरे वार्ड से फ़ोन आया कि फैक्ट्री में गए थे और उनको धमकी दी कि आप ये चेक दो इस एनजीओ को। उसने कहा जी हम क्यों दें, हमारा मन नहीं है देने का। तो उनको बकायदा धमकाया गया आपकी फैक्ट्री सील करा देंगे आप 2 लाख का चेक नहीं दोगे। तो उनका फ़ोन आया जब हमें पता चला है, नहीं तो बड़े चोरी छुपे तरीके से 19 तारीख से लगे हुए पैसा उगाही करने में। आप स्वामी जी एक बात को समझिए, आज एनजीओज अगर कोई काम करता है तो पैसा इकट्ठा करने की जिम्मेदारी एनजीओज की है, ना कि गवर्नमेंट एजेंसी की। अगर गवर्नमेंट एजेंसी को पैसा इकट्ठा करना हो तो आप डायरेक्ट एमसीडी में चेक लो ना। आप मांगिए कि हमारे पास पैसे नहीं, आप स्वामी जी के पास जाइए कि आप स्वामी जी एक स्मार्ट बोर्ड हमें हमारे स्कूल में लगवा दीजिए, दिक्कत है। विकास जी, विकास के पास आइए, किसी दुकानदार के पास जाइए। आप एक एनजीओज के नाम चेक क्यों मांग रहे हैं? एमसीडी के अधिकारी, सरकारी अधिकारी एक एनजीओ के नाम चेक मांग रहे हैं कि एनजीओ को पैसा दो। तो ये सीधा सीधा उगाही करने का एक नया तरीका बीजेपी लेके आई है, और मैं तो कहूँगा दुनिया भर के चोर उचक्कों को भारतीय जनता पार्टी से क्लास लेनी चाहिए, इनके पास एक दो घंटा सीखना चाहिए कि कैसे नए नए तरीके ईजाद भारतीय जनता पार्टी करती है कि कैसे लोगों की जेब में डाका डाला जाए। अभी जो आपने कहा कि एक ऑफिशियली करार हुआ है, अगर कोई अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में करना चाहे, मैं करना चाहूँ कि मुझे इस नेक काम में मदद करनी चाहिए, तो उसमें बुराई नहीं है, लेकिन आपकी आपत्ति इस बात पर है कि ये ऑफिशियली लेटर जारी हुआ है। नहीं, मेरी आपत्ति ऑफिशियल लेटर पे नहीं है। आप करार करते हैं एनजीओ लगाए, आपत्ति इस बात पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पैसा इकट्ठा क्यों करके उस एनजीओ के लिए कर रहे हैं? ये तो सीधा सीधा उगाही है कि आप ड्रा कर लोगों से पैसा इकट्ठा करके एक एनजीओ के अकाउंट में पैसे डलवा रहे हैं। ये सीधा सीधा बिल्कुल करप्शन का मामला है। और आप जितने लोग इस एनजीओज में हैं, आप खुद इसकी बारीकी से जांच कीजिएगा। अगर बीजेपी से इनके संबंध ना निकले तो फिर मुझे बताना, सबके संबंध बीजेपी से निकलेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। आप खुद सोचिए इनको कि ऐसा एनजीओ मिला जिसके पास पैसे नहीं है, उससे आप करार कर रहे हैं, उसके लिए आप पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, फिर आप उसको पैसे इकट्ठे करके दोगे, फिर वो स्मार्ट बोर्ड लगाएगा, तो आप खुद ही पैसे इकट्ठे करके खुद ही लगवा लो, फिर बीच में एनजीओ को लाने की जरूरत क्या है? ये पूरा एक घोटाले की एक नई स्कीम भारतीय जनता पार्टी लेके आई है, और जिन्होंने चुनाव टाले इसी वजह से टाले हैं। पहले ये पार्षदों के थ्रू पैसे कमाते थे, अब पार्षद नहीं रहेंगे तो अधिकारी तो बीजेपी के ही हैं, अभी अधिकारियों के थ्रू अपनी जेब भरेंगे, अधिकारियों की मजबूरी है, उनको प्रेशर में काम करना पड़ता है। आज सीधा सीधा एक बात, मैं जैसे आपने बातचीत के शुरू में कहा कि जब हमने डीसी से बात की तो उन्होंने कहा कि हमने इकरार रद्द कर दिया है, अगर आप सही थे, आप बिल्कुल कोई इसमें कमी नहीं थी, और तो फिर आपने रद्द क्यों किया? 13 तारीख को आपने किया और आज कल आपकी चोरी पकड़ी गई, आम आदमी पार्टी ने इस चोरी को दिल्ली की जनता के सामने रखा, आज आपने रद्द कर दिया। अगर आप सही थे, आप कह रहे हम कुछ गलत नहीं कर रहे, तो आपको रद्द करने की क्या जरूरत पड़ी? इसी से पता चल जाता है कि यार आप सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस के कल सुबह तक इस कह रहे हैं कि हम कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाह रहे थे इसलिए कर दिया, लेकिन उस करार रद्द हुआ है, काम नहीं हुआ, काम चलेगा नहीं। अगर कंट्रोवर्सी नहीं चाह रहे थे तो आप पहले विपक्ष को, आपको ऐसे काम करने से पहले विपक्ष को विश्वास में लेना चाहिए। आप एक बात को समझिए, कल सुबह जब हमें ये पता चला, परसों पता चला, कल हमने गूगल पे सर्च किया तो इनकी वेबसाइट चालू थी, उसी वेबसाइट से हमें एड्रेस मिला, एक दो फ़ोन नंबर मिले जो हमने फ़ोटो खींच के बताई कि वहाँ पे कोई नहीं है। जैसे ही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, एक घंटे बाद से आप चेक करो उनकी वेबसाइट बंद है। आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ कि अगर इस तरह के कोई फैसले होते हैं, अगर विपक्ष को भरोसे में लिया जाए, विश्वास में लिया जाए, तो न केवल इस तरह के विवाद रुक जाएंगे बल्कि जो फ़ायदा उन बच्चों को होने वाला था वो भी हो सकेगा। तो आपसे किसी से कोई बात नहीं की गई? डीसी में वार्ड कमेटी भी होती है, कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया? कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया। जिक्र करेंगे क्यों? क्योंकि ये बच्चों की भलाई के लिए नहीं है, ये पैसा कमाने की नई नई स्कीमें हैं। आज मैं कह रहा हूँ दिल्ली में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ काम कर रही हैं,
जिनके लिए ये 2.5-3-4 करोड़ रुपए के स्मार्ट बोर्ड लगवाना कोई बड़ी बात नहीं है। आज MCD के साथ ही जो कंपनियां काम कर रही है, TPDDL मैंने आपको बताया MCD के साथ काम कर रही है, DMSW काम कर रही है, जिनका करोड़ों 500-700-1000 करोड़ का साल में टर्नओवर है, उनका पता नहीं कितने करोड़ CSR निकलता है। आप किसी से बात कर लेते हो स्मार्ट बोर्ड लग जाते हैं आपके, आप एक ऐसे NGO को उठा के लेके आए जिसके पास पैसे नहीं है और आप उसके लिए पैसे इकट्ठे करोगे फिर वो स्मार्ट बोर्ड लगाएगा, तो आपको खुद नहीं लगता कि कितना बड़ा घोटाला है। ये सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नई नई तरकीब नई नई स्कीम ये रोज़ लेके आता है। मैं कह रहा हूँ चोर चक्कों को इनसे सीखना चाहिए कि कैसे सफ़ेद कॉलर रख के कैसे चोरी की जा सकती है, कैसे उगाही की जा सकती है। चलिए बिल्कुल, BJP भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी में है। BJP का दावा है कि आम आदमी पार्टी रोज़ नए नए हथकंडे, क्योंकि उन पर दबाव है रोज़ 1 PC करने का, लेकिन विकास गोयल इस बात से बिल्कुल इनकार करें और सवाल उठा रहे हैं कि अगर इतनी अच्छी योजना थी तो उसको वापस क्यों लिया गया, क्यों किसी बड़ी MNC को संपर्क न करके आप अधिकारियों को ये जिम्मा दे रहे हैं कि वो कलेक्शन का काम करें और इसे सरासर एक भ्रष्टाचार का एक नया तरीका बता रहे हैं। और भी क्या इस पर अपडेट है, हम लगातार आपको इसकी जानकारी देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण TV।